नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस पर। अगर आप नए हो हमारे YouTube चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन क्या है कि अपने पास ये कोई भी चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है कोई भी है, इसके अराउंड हो सकता है ये वाला एरिया, हो सकता है ये वाला एरिया, इसमें किसी भी अदर चार्ज को अपन लेके आए, जैसे क्यू डैश को अपन लेके आए, तो ये क्यू डैश जो चार्ज है वो हो सकता है इस वाली पोजीशन पे, हो सकता है इस वाली पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि पास आएगा या दूर जाएगा। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज है उस चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड या ऐसा रीजन जिसमें किसी भी अदर चार्ज को अपन लेके आए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करे, एक्सपीरियंस करे। तो उस एरिया को या उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई वेक्टर से। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन होता है उस पर फोर्स अप्लाई हो। तो हमारे पास ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें अपना चार्ज क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड जो चार्ज है उस चार्ज के अमाउंट का जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई भी चार्ज है, उस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो चार्ज के अमाउंट का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं यहाँ से इस क्यू नॉट को कितना ले लूँ, 1 कूलम, तो आपके पास E इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, F वेक्टर। इसका मीन ये हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की होती है m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज की कितनी होती है, a1 t1। तो आपके पास ये बन जाएगा m1 l1 t-3 a-। ये आपके पास आ गई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसी के बाद में अपने पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, काफी बार एग्जाम में आता है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अपन पॉइंट चार्ज से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मैंने सपोज कर लिया इस ओ पॉइंट पे आपका पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं इस p पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ, वो क्या हमारा q नॉट। यहाँ पर टेस्ट चार्ज का मीन क्या है कि ऐसा चार्ज जो केवल किसी भी डेरिवेशन को डिराइव्ड करने के लिए यूज आता हो और उसके द्वारा जो अपने पास अदर चार्ज उसके फोर्स पे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलाम इन दोनों चार्ज के बिटवीन क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो होगा एफ वेक्टर इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। हमारे पास कूलाम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है,
के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आर कैप आ गया यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला क्या था, ई वैक्टर इजिकल टू एफ वैक्टर अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन फर्स्ट से इस फोर्स की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इस एफ वैक्टर की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई वैक्टर इजिकल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप और अपॉन क्या होगा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई वैक्टर इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अपने पास फॉर्मूला क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज। इसका मतलब क्यू की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा डिस्टेंस के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो बिटवीन ग्राफ क्या होगा इनके, ई और आर के बिटवीन कंटिन्यूस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। बट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी वन अपॉन आर एंड ई के साथ में ग्राफ, वन अपॉन आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसका मतलब क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आर को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वाला टॉपिक एग्जाम में काफी बार 2 मार्क्स में भी आता है और 1 मार्क्स में भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मीन क्या है कि अपने पास ये कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि पॉजिटिव 1 कूलम, इसके द्वारा इसमें जिस पाथ पे ये ट्रेवल करेगा वो इमेजिनरी पाथ आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इमेजिनरी पाथ ट्रेवल होता है वो इमेजिनरी पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अदर डेफिनेशन कि अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वे लाइन जिनके अलोंग आपका चार्ज फ्रीली या फ्रीडम क्या कर सके, मूव कर सके, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, ठीक है, और कर्व्ड पाथ में भी हो सकती है। एक तो किस में होती है, स्ट्रेट में, और दूसरी किस में हो सकती है, कर्व्ड में हो सकती है। यानी कि आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकती है, दूसरा आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकती है, कर्व में भी हो सकती है और स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है। सेकंड, अपने पास 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड में निकलती है और नेगेटिव में इनसाइड में क्या होती है, एंटर होती है। तो ये किसके लिए होगा, के ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये किसके लिए होगा, के लेस देन 0 के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड में निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इनसाइड में एंटर होती है। तो के ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनवाए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, के लेस देन 0 के लिए बनाए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। थर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, फिनिश्ड हो जाती है।
कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे फिनिश होंगी? नेगेटिव चार्ज पे। फोर्थ, अपने पास ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट खींचते हो, क्या खींचते हो? ये टेंजेंट। तो ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिफ्थ, कि अपने पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। इसका क्या रीजन है? अगर मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन जो इनका पॉइंट होता है, इस पे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। और अभी हम बात कर रहे थे कि टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो एग्जाम में काफ़ी बार ये वाला पॉइंट आता है। तो कितने प्रॉपर्टी होगी? 5। 6 प्रॉपर्टी देखो, अपने पास एक तो ये 4 लाइन है और मेरे पास कितनी है? 10 लाइन्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है? चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही ज्यादा होंगी। और ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्यू। इसका मतलब जहां पे नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहां ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। 7 पॉइंट, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम नेचर वाले को, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज यानी कि अप नेगेटिव चार्ज, अगर इनको आप पास में लेके आते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दूर जाती है। क्या होती है? दूर जाती है। इसका मीन इनमें क्या लग रहा होगा? रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? रिपल्सन फोर्स। और इनके बिटवीन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। और इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि सेम नेचर वाले जो दो चार्ज होते हैं, उनके बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होता है मिड में, कि जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट। 8 नंबर का प्रॉपर्टी, अगर आप अपोजिट नेचर वाले को पास में लेके आते हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास आती है। इसका मीन क्या हो गया? इनके बिटवीन क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है? अट्रैक्शन फोर्स को। तो ये अपने पास 8 प्रॉपर्टी होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पाथ में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटसाइड में जाती है, नेगेटिव से इनसाइड में जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी थी अपने पास, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास थी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो, वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को। फिफ्थ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो पॉसिबल नहीं है। 7 नंबर वाली मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, वो बताई थी 6 वाली, कि अपने पास जहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा,
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज। सेम नेचर वाले आप चार्ज को बिल्कुल पास में लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर जाएंगी, यानी कि इनके बिटवीन क्या लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स, और इनके मिड में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अपोजिट नेचर वाले को आप पास में लेके आते हो तो क्या होगा, उनके बिटवीन अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।